चलो भाई, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज जैसे कि हमारी सीरीज़ है कोंकण दर्शन, तो यहाँ के मंदिर है कुछ, वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले अंजरले में जा रहे हैं, वहाँ पे एक गणपति मंदिर है। कुत्ते नहीं वो देखो, कुत्ते अभी क्या कर सकते हैं। स्वयंभू है गाइस, इम्पोर्टेंस ज्यादा है और पूरा अंदर तक आने के लिए परमिशन है। परमिशन है ये कल से उठी है, रखी है। देखो सोमेश्वर श्री क्षेत्रपाल और ये never get me cute, yeah, cause what's the point in walking where you never leave, yeah, so I gotta relax and catch my breath just for a minute, yeah. I'm thinking living in a moment and I'm about पीछे ये है गाइस, वन अरे हाँ ये टंकी बनाई है, टंकी है दूर से दिखाई देता है कुएं जैसे। हाँ ये दो बड़ी टंकियां देखो, 5,000 लीटर। और इधर जगह बहुत है इसलिए कुछ बहुत कुछ बना सकते हैं। I'm thinking I should go and crash around in park. I'm trying to get tunt, trying to get lost. Play my song, turn it up to the massive. Vibrant colors. इधर ऐसे मंदिर भी है गाइस, छोटा है कि अभी गणेश जी की मूर्ति। हाँ ठीक है, ये मुझे पहले के एक्चुअली दरवाजे पसंद है मामी। देखो ना पूरे मेटल के हुआ करते थे, अभी यहाँ पे भी देखो श्री लिखा है और वो ऐसे सूर्य में श्री लिखा हुआ ऐसे किया, और ये किरण है और ये रही मूर्ति। जाना पसंद है, वहाँ पे मेन मंदिर है और उसी के बगल में एक छोटा गणेश मंदिर है और ये हनुमान मंदिर है गाइस। इसी के बगल में गणेश मंदिर और इसी के बगल में महालक्ष्मी मंदिर, तीन मंदिर है यहाँ पे। एक छोटा सा ये कैंपस है लेकिन देखने लायक है। ये गाइस वो मंदिर, गणपति मंदिर जिसके बारे में बात कर रहा था, कड़ियावर से गणपति ऐसा बोलते हैं इसको। पहले गाइस समुद्र तट पर जो मंदिर था गाइस, एकदम पुराने समय में, पुराने काल में, उस मंदिर के ये पत्थर है गाइस, देखिए बहुत पुराना है ये। यहाँ पे ओम भी लिखा है देखो, और ये एक छोटा सा हाउ टू टाइप हाथी का कैसे किया है देखो, और ये बाल हाथी है नन्हे बच्चों को बैठने के लिए। यहाँ पे भी, यहाँ पे चलो अंदर। बहुत प्रसन्न मूर्ति है ना, बहुत प्रसन्न। और यहाँ का वातावरण भी देखो ना, यही पे गाइस शिव मंदिर भी है, गणपति की मूर्ति है, इसी टाइप की वहाँ थी ना सेम। पहला कदम वहाँ पड़ा था क्या? केशी से 16 किलोमीटर पे है गाइस ये जगह, लेकिन बहुत ह्यूज है प्लेस, बहुत और शायद फेमस भी है, बहुत से लोग दिखाई दे, बहुत से लोग जितने केशी में नहीं थे उतने इधर है, सभी आते हैं यार विजिट करने के लिए। रोड ऐसा घाट का है, हाँ पूरा तो, घाट है और कोस्टल रोड है पूरा, पूरा बीच देखते देखते आते हो आप। और शाम का अभी टाइम है गाइस, इतने पंछी थे वहाँ पे, ऐसे फ्लॉक्स पूरे थे, पूरे सीशोर पे ऐसे फ्लॉक्स, यहाँ से भी दिख रहे है देखो बीच, देखो पूरा बीच का नज़ारा, ये ऐसे ही थ्रू आउट ऐसे ही नज़ारा है गाइस, इससे भी बेहतर क्योंकि और पास से है वो। कदम देखने के लिए हम जा रहे हैं, हाँ वो देख, वहाँ लिखा था 2 मिनट पे है लेकिन बहुत है, बहुत है। हाँ और ऐसा अनवाणी चल रहा है, हमने ये भी नहीं पहने हैं शूज वगैरह, बाहर ही है दो तरफा ऐसा लगाया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ऐसे बीच में चलने का मजा अलग आ रहा है। और क्या, यही है क्या? शायद से यही होगा। व्यू तो देखिए गाइस, कोकण की एक स्पेशलिटी है कि नारियल के पेड़, जैसे आप कोकण में एंटर करते हो नारियल के पेड़ और ये ह्यूज समुद्र, 200 मीटर चलने के बाद अप्रोक्स गणपति बाप्पा का पहला कदम यहाँ पे था गाइस।
चलने देखिए। ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंस रहना चाहिए नहीं इस प्लेस का। इधर इसलिए लोग आते हैं। और ये एक ही पैर देखो ऐसा आया ऐसा एक ही पैर। हाँ और नीचे इधर से क्या है क्या मालूम ये देखो। और नीचे वो मॉम मेरे ख्याल से गांव के लिए होगा ना रास्ता। वो देखो ना वहाँ कुछ तो है। हाँ ये व्यू तो क्या ही लग रहा है नहीं। समुद्र का आवाज यहाँ तक आ रहा है गाइस एकदम अगर ध्यान से सुना तो। वैसे भी अभी हमारे पास टाइम बहुत था इसलिए सोचा कि ये जो एक छोटी छोटी जगह है वो कवर करे क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके ट्रिप का कि सिर्फ डेस्टिनेशन पे जाके वापस आने में मजा नहीं है नहीं। आजू बाजू के थोड़े भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं देखने के लिए वो भी डिस्कवर करना चाहिए। इधर कुछ देखना है क्या। हाँ देखते हैं क्या क्या है। नींबू शरबत ये सभी शरबत के टाइप्स है यहाँ पे। ये सोडा कोकोनट स्पेशल है ये बहुत होता है ना यहाँ पे। नॉर्मली लिया हमने थोड़ा प्यास लगी थी ये ले I'm trying to breathe tonight. I'm trying to leave.